हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइज, ये वाला वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मतलब कुछ बंदे मेरे चैनल पे ऐसे जो भाई स्टार्टिंग से, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे तब से मुझे सपोर्ट कर रहे भाई, वो बंदे मुझे फुल सपोर्ट कर रहे और दिलो जान से सपोर्ट है भाई उनका मिले। और जो बंदे नए जुड़े ना, वो भी फुल जितना उनसे हो सकता है वो सपोर्ट करते भाई, हर वीडियो को लाइक करते और कमेंट भी करते। तो गाइज, मेरे को ये कहना था कि जितना सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए ना, उतना सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। और अगर तुम लोग चाहते हो ना भाई कि तुम्हारे भाई का चैनल एकदम फर्राटेदार स्पीड से ग्रो हो, तो भाई लोग तुम जो भी मेरा नया वीडियो आता है या फिर जो भी वीडियो तुमको अच्छा लगे ना, वो कम से कम भाई 5 बंदों को शेयर कर दो। जितने ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेंगे उतने जल्दी ग्रो होगा चैनल। और ये काम मैं अपने पर्सनल लेवल पे इतना मतलब ब्रॉडली नहीं कर सकता भाई, तुम जितने ज़्यादा बंदे हेल्प करोगे उतना फास्ट ग्रो होगा। और सीन क्या है कि जब कोई बंदा अपना कंटेंट खुद शेयर करता है ना, तो बंदे मतलब यकीन नहीं करते और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन कोई दूसरा बंदा भाई किसी का कंटेंट शेयर करता है ना, तो उनको लगता है कि भाई बात होगी बंदे में, तभी वो शेयर कर रहा है। तो गाइज़, आप ट्राई करना कि इतना तो कर सकते हो तुम मेरे लिए, क्योंकि गाइज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सपोर्टर भाई एकदम अखंड सपोर्टर है। मतलब इनके जैसा सपोर्ट कोई और कर ही नहीं सकता गाइज़, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो गाइज कर देना यार तुम लोग। और इसके साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। और फिलहाल ये वाले गेम प्ले में, जैसा कि हर बार कहे, मैं बहुत ही दूर उतरता हूँ पॉपुलेटेड एरिया से, और पहला काम होता है भाई गाड़ी ढूंढना और गाड़ी से ऐसी जगह जाना जहाँ पर बंदे बहुत कम आते हों। तो फिलहाल गाड़ी तो नहीं दिख रही कहीं पर, लेकिन जो कंपाउंड है भाई इसको लूट लेते हैं और उसके बाद गाड़ी ढूंढेंगे हम। अब यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा था कि इधर से एक गाड़ी आती है जो कि आगे वाले एरिया की तरफ जाती है, तो मैं भाई अब आगे के एरिया में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बंदा वहाँ पर लूट करके भाई मेरे लिए जान बचा सकता था जिसमें मैं फंस सकता था। तो मैं यहाँ से बैकवर्ड ले लेता हूँ, यानी कि इस तरफ आ जाता हूँ और इस वाले एरिया को लूट के मैं अपना नेसेसरी लूट होता है वो पूरा कर लेता हूँ। हेलमेट वेस्ट और एक प्राइमरी गन जो कि क्लोज रेंज में मुझे अच्छी हेल्प करे। सो गाइज, उसके बाद मैं अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, क्योंकि इसका सीन क्या है भाई अलग जगह पर होल्ड करने का, क्योंकि एक जगह पर मैं होल्ड करेंगे ना तो बंदे भाई अपन को ट्रेस करके आ जाते हैं, कौन हैकर्स और ESP वाले बंदे, और ऊपर से टीम अप करके भी आएंगे तो उनको मारना, एक को मारेंगे भाई दूसरा अपन को मार जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान अपना ही है। तो इससे बचने के लिए मैं अधिकतर अपना टाइम मतलब व्हीकल पर गुजारता हूँ और गाड़ी लेके घूमता रहता हूँ। और मोस्टली मैं ये ट्राई करता हूँ कि भाई कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना भाई छोटे छोटे, जिसमें अच्छे खासे कवर हवर और अलग अलग ही बिल्डिंग दीवारें हों, उसको मैं बहुत ही अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब हैकर वैकर आते हैं ना उनके पास तो हैक होता है भाई, वो अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं अपन को, लेकिन हम उनको अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाते। तो गाइस, उसको अवॉइड करने के लिए मेरा जो फेवरेट होल्डिंग मतलब प्लेस है ना भाई, ये जो छोटे सेक होते हैं ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलग ही नुकसान भी है और फ़ायदे भी है। नुकसान तो ये है कि भाई आपका अगर गाड़ी अच्छे से किसी को विजिबल हो रहा है तो वो फोड़ देगा, उसको तोड़ देगा। और इसके फ़ायदे भी बहुत है जो मैंने ऑलरेडी बता भी रखे हैं किसी किसी वीडियो में। और जो रोटेशन देते हैं ना बंदे, उनको किल करने में बहुत ही काम की चीज़ है ये। एंड जोन में अगर आप मिडल में होल्ड कर देते हो, वहाँ पर आपका सर्वाइवल भी हो जाएगा और आपको ईजी किल भी मिल जाएंगे। और गाइस, सामने देखो तो भाई एयर ड्रॉप भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एंड जोन में एयर ड्रॉप लूटना यानी मौत को बुलावा देना। और इतने में एक जो गाड़ी जा रहा था भाई, उसको किसी और ने भी डैमेज दिया था। अब वो बंदा जो भाई डासिया में जा रहा था ना, वो पता नहीं क्यों क्या सोच के इधर आ रहा था भाई मेरी तरफ, और उसका गाड़ी यहाँ पर पत्थर पर ठुक जाता है। और उसको मैं अपने M7 के स्प्रे से ले लेता हूँ। और अब टाइमिंग देखो गाइस, पहला किल कब हो रहा है। खैर कोई नहीं, जैसे जैसे ये गेम बढ़ेगा और भी इंटेंस मोमेंट आते जाएंगे और किल भी मिलते जाएंगे गाइस। गाइस मैं चाहता तो इसको पहले ही ले लेता सामने वाली डायरेक्शन से, लेकिन ये जो AWM के शॉट्स आ रहे थे ना, यही मेरे लिए दिक्कत थी कि मैं बाहर नहीं निकल रहा था। खैर वो बंदा निकल जाता है और जो अपहिल वाला एरिया है वहाँ पर और भी फाइटें चल रही है, और एक बंदे ने जक्सी वक्सी नाम के बंदे ने किसी को मार दिया था। मतलब मैं उस बंदे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था जो जक्सी नाम का बंदा ऊपर अपहिल की तरफ था, लेकिन इधर एक बग्गी आती है। तो गाइस, इस बग्गी वाले बंदे को मैंने मतलब 50% डैमेज दिया, और कोई और ही बंदा वो किल चुरा लेता है, जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहता, क्योंकि इस तरफ जो सामने देख रहे हो भाई वो USZ है ना, वहाँ पर जो बंदा था उसने मेरे पे फायर कनेक्ट नहीं किया, मतलब मेरे पे फायर ही नहीं किया, और वो बंदा किसी और को मारता है गाइस किल फीड में, उसका नाम आया। तब गाइज मुझे जो DP चला रहा था उस बंदे से भी सावधान रहना था, और अपहिल वाला एक बंदा था जो मैंने पहले बता रखा था उससे भी सावधान रहना था, और वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है गाइज, और उस बंदे को मैं अपने UMP के फायर से मार देता हूँ। अब UMP मारने का ये फायदा रहता है ना गाइज कि इसका साउंड है ना बहुत ही लेट जाता है, जब तक बंदा
परलोक सुधार जाता है उसके बाद उसको सुनाई देता है। और इतने में वो बंदा भाई डीपी वाला स्मोक करके जोन में आने की कोशिश कर रहा था, और जैसे तैसे वो आ जाता है। अब यहाँ पर देखना गाइस, एक और बंदा आता है उस पर रश करने, और दोनों की फाइट होती है और मैं उनको थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई बिल्कुल ही सही एंगल नहीं मिल रहा था, बीच में ये जो गैस कैन है भाई किसने रखा है इसको यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर अब अगला जोन भी बन गया है, और जोन बना है मेरे से भाई 25 मीटर दूर, और वो जो सामने वाला बंदा है वो भी आउट ऑफ जोन है और मैं भी आउट ऑफ जोन हूँ। अब हम दोनों के बीच में क्या सीन होता है गाइस देखना दूँ। अब वो बंदा यहाँ पर स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, मुझे लगा वो भाई क्लोज इन करेगा, इसलिए मैं प्री नेड या ऐसे ही एक्सपेक्टेड नेड करने की कोशिश करता हूँ। अब पहला नेट भाई कनेक्ट होता नहीं सही ढंग से कुछ। अब मैंने दूसरा नेट कर दिया, क्या पता कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं होता है। अब मेरे पास ज़्यादा नेट थे नहीं तो मैं स्मोक कर देता हूँ अपना गाड़ी सेव करने के लिए, क्योंकि उस बंदे के पास भाई दो गाड़ियाँ थी, एक मैं डैमेज कर भी देता वो दूसरे से भाग जाता, लेकिन मेरे पास गाड़ी एक ही है। मैं अगर पैदल जाऊँगा तो जो बिल्डिंग वाले मतलब अपार्टमेंट में बंदे ना वो मुझे बहुत ही बुरा मारेंगे। सो गाइस अब जोन भी भाई क्लोज इन होना स्टार्ट हो गया था, मैं अपना बग्गी लेकर निकल लेता हूँ जोन की तरफ, और मुझे नहीं पता था भाई एक बंदा ऑलरेडी मेरे पे कैंप कर रहा है। भाई मेरे पे आता भाई AWM का शॉट और M249 है उस बंदे के पास। देखो गाइस क्या ही बचाऊँ, वो पीछे वाले बंदे का किल भी ले लिया मैंने और इस बंदे से बच भी गया। गाइस ये वाला सीन अगर तुम लोग को पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करो। तो गाइस फिलहाल मैं इस वाले जोन में तो आ गया हूँ, लेकिन जो इससे भी अगला जोन है भाई वो भी आगे बना है। मतलब क्यों तुम यहाँ पे बन जाते तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता भाई जोन भाई। तो गाइस यहाँ से ज़्यादा टाइम बचा नहीं था भाई अगले जोन को क्लोज होने में, और 20 सेकंड थे मेरे पास कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर तो पहले स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि जाऊँगा अगर ओपन से तो वो बंदा मुझे ऑब्वियसली मार देगा, M249 है उसके पास, भर देगा पूरी की पूरी। एक बार मैं स्मोक करता हूँ, और ये जो बिल्डिंग है भाई यहाँ पर बंदा स्पॉट होता है, ये देखो। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है भाई सामने वाली, यहाँ पर फाइट होने लग जाती है, तो मैं मौका देके भाई आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आते हैं भाई क्या स्कैम होता है देखो गाइस। यहाँ पे मुझे पता था एक बंदा है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, तो गाइज यहाँ पर ये बंदा बहुत ही मतलब गलती से मारा जाता है। गाइज अर्श भाई बिल्कुल सॉरी तुमको, क्योंकि मैं बिल्कुल देख ही नहीं पाया कि ऐसा कोई एंगल ही नहीं दिख रहा था मुझे, ये जंप करता हुआ दिखे, क्योंकि इसने पहले फायर दिया और मैं समझ नहीं पाया कि ये अब मीटअप करेगा। अब ये बंदा जो है भाई बचा हुआ था वो जंप करने लगा था, तो मैं समझ गया भाई ये मीटअप वाला बंदा है, और अब बचा था ऊपर मतलब थर्ड बंदा था वो बिल्कुल एनिमी था। और इस बंदे के साथ भी कुछ बात तो नहीं हो पाती, लेकिन इमोट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं बूस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो एड्रेनालिन है भाई घर पे तो ले नहीं जाऊँगा मैं इसको, और जो मेरे पास नेड एड मोली है इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ ऊपर जो बंदा फ्लोर पे, लेकिन बंदे पे कनेक्ट होती नहीं। बंदा बराबर अपना पोजिशन चेंज कर रहा था, और ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अच्छे से कवर में था। अब इतने में भाई जो फाइनल जोन है भाई बिल्कुल डेथ सर्कल वो स्टार्ट हो जाता है, और देखो गाइस क्या होता है आगे। तो गाइस यहाँ पर मैं फैसला लेता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा कवर है, यहाँ पर मैं हील करूँगा, क्योंकि अगर ओपन में किया ना वहाँ पर तो वो बंदा खिड़की से ही मार देगा। अब पहले हेल्थ किट में लगा लेता हूँ और दूसरे में कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन देखो गाइस आगे क्या होता है। और यहाँ पर हम मारे जाते हैं गाइस, क्या गलती करी मैंने तुम खुद बताओ यार, क्या गलती करी मैंने, कमेंट करके बता दो गाइज। और गाइज कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और वंस अगेन अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। कौन कर रहा लिख के टॉप, कौन कर रहा लिख के, यानी कि लीडर बोर्ड वाले प्लेयर को अगर सपोर्ट करोगे तो भाई तुम्हारा एकदम स्वैग बनेगा, स्वैगी स्टार। तो
तो गाइज मैं भी चलता हूँ यार, मुझे भी अब नया वीडियो बनाना ना यार कल। तो भाई यार